उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत रुद्रपुर की बुरारानी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में अवैध देशी शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है कि 2025 तक नशा मुक्ति उत्तराखंड बनाना है। इसी विजन को लेकर एक टीम का गठन कर जिले में चल रहे अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आज रुद्रपुर आबकारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भिष्ट के नेतृत्व में टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर भूरारानी स्थित अवैध देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री और उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, मुखबिर की सूचना पर कि भूरा रानी क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं जानकारी हुई, तो एक्साइज इंस्पेक्टर महेंद्र बिष्ट और सोनू सिंह के नेतृत्व में मैंने तत्काल टीम का गठन करके वहां पर दबिश करवाया और जहां पर नकली शराब गुलाब ब्रांड बनाने का पूरा जखीरा प्राप्त हुआ, वहाँ हजारों लाखों की संख्या में ढक्कन लेबल होलोग्राम भी काफ़ी है, वो 70-80 के आसपास होलोग्राम मिले हैं, खाली बॉटल और लगभग 30 पेटी के आसपास तो बनी हुई शराब बरामद हुई है। और जैसे ही स्टाफ वहाँ पहुँचा, पुलिस टीम मतलब हमारी टीम को देख के वो बंदा छतों पर से कूदते हुए निकल गया, पकड़ नहीं है, लेकिन हमने उसको पहचान लिया है कि वो कौन है और जल्दी ही वो पकड़ में आ जाएगा।